हाय गाइस, वेलकम बैक टू नूब गेमिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों को। तो कैसे हो मेरे बहनों और कैसे हो मेरे भाइयों? तो वो लाइक आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी मज़ेदार भी है, क्योंकि आज का वीडियो होने जा रहा है पबजी मोबाइल के स्क्रीन प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे बंदे हैं जो एंड्रॉयड यूज़र है, जिनके पास 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, सही है। तो उनका क्या मसला आता है कि अगर वो यानी कि फायर करते हैं तो उनका जो फायर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसका जो स्क्रीन है वो इस तरह मूव नहीं होता। बहुत सारे बंदे हैं और जिनके पास डिवाइस है, यानी कि हल्के डिवाइस है, कोई हैवी डिवाइस आईफोन वगैरह, उसमें तो ये मसला नहीं आता। लेकिन जिनके पास यानी कि इन्फिनिक्स है या फिर टेक्नो का मोबाइल है या फिर रियलमी है, तो उसके पास ये मसला आता है कि अगर वो TDM में फायर कर रहे होते हैं तो उसका जो फायर है वो इस तरह चला जाता है। और उनका जो ये मूवमेंट है ना, ये मैं आप लोगों को मूवमेंट दिखा देता हूँ, ये वाला मूवमेंट, ये बिल्कुल स्लो हो जाता है। कभी कभी तो भाई फायर करते करते उनका जो मूवमेंट है वो होता ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका ये जो मसला है स्क्रीन मूविंग का, या फिर आपका जो फायर है वो होता है और आपका जो एम है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, इसका एक ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो भाई आपका ही नुकसान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, वीडियो स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने यानी कि मसले के हल की तरफ। आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये आपका जो मसला है ये कैसे हल होगा। ये अक्सर छोटे मोबाइलों में होता है, जैसे कि टेक्नो इन्फिनिक्स में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपका आईफोन में हो रहा है तो भाई आईफोन में ये मसले नहीं आते, तो चलते हैं भाई आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अपने सेटिंग में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में आ जाते हो, सही है, यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में आते हो, इसमें आप लोगों को एक सेंसिटिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले आप लोगों को ये सेटिंग करना है, कंट्रोल में आना है। कंट्रोल में आने के बाद नीचे आ जाना है, ये जो कैमरा रोटेशन वाइल ADS लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो मैं ऑन ऑफ इनेबल डिसेबल कर रहा हूँ, सही है, इसको आप लोगों ने डिसेबल ही रखना है। जिनके पास ये मसला आता है वो डिसेबल ही रखें, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा भाई एक और भी है, आप लोगों ने नीचे आ जाना है, सही है, और ये है भाई रोटेशन, कैमरा रोटेशन वाइल लैंडिंग, सही है, इसको भी आप लोगों ने डिसेबल रखना है। अगर आपका इनेबल है तो इसको आप लोगों ने डिसेबल रखना है अगर आपका ये मसला आ रहा है। ये दो चीज़ें पहले आप लोगों ने कर लेनी है, सही है। इस दो चीज़ करने के बाद अब मैं आप लोगों को तीसरा चीज़ बताता हूँ, सही है। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने सेंसिटिविटी में चले जाना है, और जो आप लोगों का ये कैमरा सेंसिटिविटी है ना, ये वाला, जैसे मेरा भाई 100 पे रखा हुआ है, सही है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ, 120, सही है। इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना है, इसको आप लोगों ने यानी कि अगर आपका मसला आ रहा है तो आप लोगों ने इसको 200 या फिर 240 पे इसको रख सकते हो, लेकिन मेरा भाई मसला नहीं आता इसलिए मैंने 120 रखा है। इसके अलावा नीचे आप लोगों ने आ जाना है। तो जैसे ही आप नीचे आते हो, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है ADS सेंसिटिविटी, सही है, ADS सेंसिटिविटी भी आप लोगों ने इसको भी, अगर आपका मसला नहीं है तो 120 रख लेना है, अगर आपका मसला आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 200 करना है, उस पर चेक करना है और 220 पे चेक करना है, सही है। क्योंकि अगर आप मूवमेंट करते हो तो आपका स्लो रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ADS भी फायर के वक्त, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप फायर करते हो ना आपका जो मूवमेंट नहीं होता, तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका ये PPP नो स्कोप है, इसको आप लोगों ने 100 यानी कि 200 या फिर 220 करके चेक करना है, जहाँ पे आपका सही रहे वहाँ पे रख देना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जायरो की। अगर आपका जायरो नहीं है, यानी कि अगर आपके मोबाइल में जायरो नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर आपके मोबाइल में जायरो है तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल फुल रखना है। ये जो दूसरा है इसको आप लोगों ने कम रखना है, TPP नो स्कोप, इसको आप लोगों ने 220, अगर आप फायर करते हो तो आपका एक जगह से दूसरी जगह एम जाता है तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो आप लोगों ने TPP नो स्कोप को 220 रख सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस हैवी है तो आप इसको 300 पे भी रख सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, सही है, ये आप लोगों ने कर देने हैं, बस ये सेटिंग आप लोग कर लो, आपका जो एम है वो भी सही हो जाएगा और ये जो आपका मसला है स्क्रीन मूविंग का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता, ये भी आप लोगों का जो मसला है वो हल हो जाएगा। मैं आप लोगों को 100% से 70% बता रहा हूँ, ये आप लोगों का जो मसला है ये हल हो जाएगा, सही है। बाकी अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पब्लिक यार वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नई ब्रांड वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।